आ वीर जी देख लो दो दिन पहले ही हजे बस के नाल तीन नौजवान बच्चों मार दिता गया सी। आज फिर एक ऊना से चंडीगढ़ वाया कलमा नूरपुर बेदी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बच्ची की मौत हो गई और एक गंभीर घायल है, जिसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। दरअसल ये हादसा पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर नंगल के पास हुआ। माफ कीजिएगा लेकिन ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, इसलिए आपको बच्ची को नहीं दिखा सकते, क्योंकि बच्ची ट्रक के नीचे ड्राइवर साइड के आगे के टायर में फंसी है। दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहीं हादसे के बाद लोगों ने यहाँ पर जाम लगा दिया। दो दिन पहले भी यहाँ पर भयंकर हादसा हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हुई थी। वहीं देखा जाए तो यह हादसे होने का सबसे बड़ा कारण 5 साल से नंगल में बन रहा फ्लाईओवर है, जो अब तक तैयार नहीं हुआ। कब ये फ्लाईओवर तैयार होगा ये भी पता नहीं है। ना इस पर पंजाब सरकार सूद लेती है, ना हिमाचल और ना ही केंद्र सरकार। हो ना हो, राजनीतिक द्वेष के चलते ये पुल अभी तक निर्माणाधीन है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और अब आम आदमी पार्टी की। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस राजनीतिक द्वेष का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि यहाँ से गुजरने वाले सभी बड़े वाहनों को सिंगल रोड पर डाइवर्ट कर दिया है, जिससे आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इस बार भी यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ, जहाँ एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक गंभीर घायल है। वहीं हादसे के बाद रोष प्रकट करते हुए लोगों ने ट्रक को रोक कर चक्का जाम कर दिया। भाई देखो ड्राइवर ने कैसे चलाया करता है, चलने देखो सूरजा नहीं आईदा गाड़ी चलाया नहीं आईदा दारू में गाड़ी चलाया करता हो दारू पी के लेटी थी क्यों नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है गाड़ी बन्ना पे सोनी बन्ना हां बाबा तो गाड़ी गड्डी चक्की फिरता है मैं तो बाहर ले लो दाना को साइड तो हो गया भाई बैठ रहा है बैठ कर एक भाई ने लोगों के न्याने मारी जाने में कोई लेना देना नहीं आएगा जी सूर की तो किन्ने बच्चे साडे मर गए, असीं न्याणे नूं सड़क पर नहीं भेज सकते। जब तक पुलिस प्रशासन अपने